जी ब्रेकफास्ट की आइटम्स। एक मिल गया है अंडा, अंडे का फंडा। गाइस मेक श्योर टू वॉच माय डैड्स अंडा के फंडा वीडियो, इट विल बी इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, फिर इसके बाद आ गई आपकी थोड़ी सी दही योगर्ट। नथिंग ग्रेट बट काम चल जाएगा फिलहाल के लिए, बाकी फिर नहीं खाएंगे कुछ यहाँ पे तो फिर बढ़िया खाएंगे बाहर कुछ। Guys, Bienvenue à Quebec. इसका मतलब है क्यूबेक में आपका स्वागत है। हम लोग फ्रेंच में बोल के दिखाओ, क्यूबेक फ्रेंच में आता है मेरे को बोलना, फ्रेंच में मैं बोल सकता हूँ फ्रेंच में। Comment t'appelles tu? What is that? इसका मतलब है आपका नाम क्या है? नहीं, आपका स्वागत है बोल के दिखाओ। आपका स्वागत है, या बोला तो है मैंने Bienvenue à Quebec। इतनी तो आती है यार, यहाँ पे 3 साल रहे हैं भाई। आपको मैंने बताया सबसे पहले जब मैं फैमिली के साथ आया था, हम लोग मॉन्ट्रियल आए थे और मॉन्ट्रियल के साउथ में, जस्ट बिल्कुल साउथ में एक सबर्बन एरिया जिसका नाम है ब्रोसार्ड, जहाँ पे हम लोग अभी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आपको दिखानी है। वेल, आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी बट चीकू के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चीकू वॉज बॉर्न हेयर और उसका बहुत मन है कि वो हॉस्पिटल देखे जहाँ पर वो पैदा हुआ था। तो हम लोग एक दिन के लिए मॉन्ट्रियल एरिया में, और वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि अगले एक हफ्ते में क्या धमाल होने वाली है। I'm so excited to see the hospital that I was born. पता है तुमको वो वाला घर भी दिखाऊंगा जहाँ हम सबसे पहले रहने आए थे एज अ फैमिली। ऑलराइट, जो सबसे पहला स्टॉप है वो है हमारा अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग सबसे पहले रहे थे जब सबसे पहले हम लोग कनाडा आए थे। तो वो बाहर से दिखाऊंगा, अंदर तो मैं नहीं लेके जा सकता आपको। एंड यू नो, हम लोगों ने एग्जैक्टली 5 साल पहले हम लोग मूव किया था, हम लोगों ने ओंटारियो में 3 सितंबर, आज है 3 सितंबर, और हम लोगों ने 5 सितंबर 2015 को मूव किया था ओंटारियो में। एग्जैक्टली 5 साल हो गए हैं, और 5 साल के बाद पहली बार मौका मिला हमें वापस क्यूबेक आने का, और उसी जगह पे आने का जहाँ से हम छोड़ के गए थे क्यूबेक। ये पीछे वेंडेक पे वो था इसका डे केयर। घर होते हैं अच्छा, ये आपने देख लिया ना, यहाँ पे क्यूबेक में जितने भी ये ट्रैफिक के साइंस होते हैं, स्टॉप साइन हो गया या जो भी, और सड़कों के नाम हो गए, ये सारे फ्रेंच में ही होते हैं, इंग्लिश में होते ही नहीं है। यानी आपको समझ में आ गया, कई लोगों को तो पता होगा कि जो क्यूबेक है, इस पार्क आता थे, रिमेंबर, इस पार्क में हम खेलने आते थे बहुत ज्यादा, बहुत इस, और यहाँ पे हम लोग टेनिस खेलने आते थे। टेनिस? या वी रिपू, और एक बार याद है मेरे को, मेरा फ्रेंड है सीके चंद्रकांत, उसके साथ में हम लोग खेलने आए थे और उसके पैर में लगी थी बहुत, ऐसे मोटा सूज गया था पैर उसका। रिमेम्बर एवरीथिंग, it feels so good, nostalgic coming back here after 5 years. Male Champlain. हमारे अपार्टमेंट के पीछे था इसका रास्ता। Champagne, वो अपार्टमेंट्स है। हाँ, वो अपार्टमेंट। और ये मॉल है। ये मॉल है। आगे जी हमारे अपार्टमेंट्स। एंड में चलते हैं, किसी की प्राइवेट पार्किंग में रख देते हैं 5 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमारी ये वाली पार्किंग थी 7 नंबर। ये जी हमारे अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग रहते थे, और वो पीछे दिख रहा है, दैट इज अ मॉल। ये अपार्टमेंट्स हैं और वो मॉल है। सारा दिन कुछ करने का नहीं होता ना, इवन वॉक करने का मन होता था यहाँ से सर्दियों में। इसीलिए ना मुझे ये वाली लोकेशन इतनी बढ़िया लगती थी ना, कि जस्ट घर से निकलो मॉल। और जब नए नए आए हो ना, ऐसी जगह बहुत बढ़िया लगती है, बिल्कुल बोर नहीं होते थे हम। इसीलिए मेरा इतना, हमने 2-3 अपार्टमेंट है, मेरे को ये वाला अपार्टमेंट इसीलिए सबसे बढ़िया लगा था कि भाई तीसरी फ्लोर पे घर था अपना, तीसरी शायद थर्ड फ्लोर पे था, ये अपनी बालकनी हुआ करती थी। ये अपार्टमेंट है और ये ग्रोसरी स्टोर है बिल्कुल सामने, बस यहाँ से सड़क पार करो, ग्रोसरी लो। नहीं, जब ऑफिस जाते हैं तब ये 1 बेडरूम था यार, 2 बेडरूम अच्छा, हाँ मम्मी पापा भी आए हुए थे, वो भी 2 बेडरूम था, सॉरी यार करेक्शन, 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, मेरे को क्यों लग रहा है 1 बेडरूम था। 2 बेडरूम, 5 साल
पाँच साल क्यों, छः साल हो गए छोड़े, क्योंकि इसके बाद हम एक दूसरी जगह पे भी जाके रहे थे। वो थ्री बेडरूम था, वो थ्री बेडरूम था। ओके, टू बेडरूम के $975, वेरी वेरी गुड प्राइस। ओके जी, अब हम लोग जा रहे हैं वो हॉस्पिटल दिखाने के लिए जहाँ पे चीकू पैदा हुआ था। लेट्स गो। आर यू एक्साइटेड चीकू? अवेंद का मतलब होता है फॉर सेल, दिख रहा है? विंडो कितने का बिका होगा यहाँ पे, घर बताओ। ये वाला घर होगा 400-400,000। दिस इज द हॉस्पिटल दैट यू वर बॉर्न। और मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करके यहाँ पे हॉस्पिटल में जब हम रुके हुए थे, कितनों यहाँ से आइसक्रीम ले लेके खाते थे आप? मैंने बच्चा पैदा कर रही थी, मैंने नहीं खाई। नहीं, लेकिन जब भी आते थे डॉक्टर के पास उसके लिए, हम चेकअप के लिए या किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम आइसक्रीम खाते थे। Alright guys, अब हम चल रहे हैं मॉन्ट्रियल, द आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल, वहां पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है मॉन्ट्रियल का वो कैसा है। मॉन्ट्रियल का जो ओल्ड पोर्ट बोलते हैं जिसको, वहां घूमेंगे। लेट्स गो। Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? मॉन्ट्रियल, सांतकोविल। सांतकोविल का मतलब होता है, वैसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंटरविल, बट फ्रेंच में बोलते हैं सांतकोविल। ऑफिस जाता है डाउनटाउन, ऑफिस जाता है। याद है यहाँ चढ़ते थे कितनी, चढ़ने के लिए बहुत लंबी लाइन होती थी। ये तो ऑफ कोर्स यार, अब लेकिन कभी भी इतना टाइम नहीं लगता था जितना टोरंटो से लग जाए। हां, यहां भी इतना ट्रैफिक नहीं होता, इतना बुरा हाल नहीं है यहां पे। क्या मतलब होता था इसका लूना वैन का? लूना वैन का होता है मंडे टू फ्राइडे, मतलब आप थर्ड लेन में नहीं हो सकते 5 बजे से 9 बजे तक। रोज इस ब्रिज से आया करते थे ऑफिस। पार्किंग जो है ना ये मॉन्ट्रियल के ओल्ड पोर्ट एरिया के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है, बट कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। और ये पार्किंग साइंस है ना, सारे पार्किंग साइंस भी फ्रेंच में होते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। ये है जी पतली पतली गलियाँ ओल्ड मॉन्ट्रियल की। कोबल स्टोन रोड, यहाँ लगा देते हैं ना एडी पार्किंग। कितने ले लेंगे? हेलो जी, फाइनली पार्किंग मिल गई है, वो बंदा निकल रहा है। और यहाँ पे सिस्टम बताता हूँ आपको, जब आपने, अगर आप पार्किंग के लिए वेट कर रहे हो किसी बंदे के निकलने, ये तो अपना इंडिकेटर ऑन कर दो। आपने ऑन कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी रिजर्व हो गया। अगर सामने से अब कोई बंदा आ जाए तो पहले आप करोगे पार्क, बाद में वो बंदा करेगा, मतलब अगर उसको जगह होएगी तो, मतलब वो नहीं करेगा, आप करोगे। तो जी गाड़ी पार्क कर दी है हमने यहाँ पे, और आपको एक टिप दे देता हूँ, बहुत ही टाइट पार्किंग है, एक तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा यहाँ पे गाड़ी में कोई भी चीज़ विजिबल मत रखना, कीमती चीज़ सामने नज़र नहीं आनी चाहिए। एक बार यहीं पे आसपास, यहीं पे कहीं पे पेड पार्किंग में मैंने पार्किंग करी, और मेरा ऑफिस का बैग बाय चांस, उसमें लैपटॉप नहीं था, नहीं तो उसमें लैपटॉप भी होता है हमेशा, किसी ने शीशा तोड़ा और बैग लेके चले गए। फिर मैंने पार्किंग वाले से बात करी, मैं कहा यार पेड पार्किंग है तुम्हारी, तुम्हारी पार्किंग में कोई गाड़ी का शीशा तोड़ के सामान चुरा के ले गया यार? बोला हम कुछ नहीं कर सकते जी, वहाँ लिखा हुआ है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा यार अब क्या कर सकते, पुलिस को, फिर उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस कहती है नहीं नहीं गाड़ी का शीशा तोड़ने पे सॉरी हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं होता जी, हमारे पास मर्डर के केस नहीं सॉल्व हो रहे हमारे से, ये गाड़ी का शीशा हमारे बस की बात नहीं है, सीधा मना कर दिया उन्होंने, बोलते नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता। बताओ जी, अजी मॉन्ट्रियल की सड़कें, दिस इज कॉल्ड कोबल स्टोन,
गाइस मेरे पीछे नोट्रे डेम बेसिलिका मॉन्ट्रियल में, और ये जो चर्च है 1657 में बनी थी, आइकॉनिक जगह है। अगर आप ओल्ड मॉन्ट्रियल आ रहे हो तो यहाँ तो मतलब आपने आना ही है। अंदर की एक्चुअली कुछ अभी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं तो हम अंदर तो अभी नहीं जा सकते। लास्ट टाइम गया था 2014 में शायद गया था लास्ट टाइम इसके अंदर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट सॉन्ग इज दैट? What song is this? Very good. Yay! Thank you. Okay, जी अब हम लोग जा रहे हैं एक मॉन्ट्रियल की स्पेशलिटी डिश खाने के लिए जिसका नाम है पुटीन। ओहो, ये टी शर्ट चाहिए भाई मेरे को। आई डोंट नीड गूगल, माई वाइफ नोज एवरीथिंग। तो कनाडा में ना इस एरिया में जो क्यूबेक का एरिया है 1642 में वहाँ पे सबसे पहले फ्रेंच सेटलर्स जो आए थे ना वो इसी जगह पे आए थे ओल्ड मॉन्ट्रियल एरिया में। तो तभी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे फ्रेंच कल्चर का। तो और जो क्यूबेक है ना उसकी एक बात बता देता हूँ बड़ी खास बात। क्यूबेक में कुछ एक ग्रुप्स ऐसे हैं जो कब से कोशिश कर रहे हैं कि क्यूबेक को कनाडा से सेपरेट कर दिया जाए, और उनकी मूवमेंट चलती रहती है काइंड ऑफ सिमिलर मान के चलो जैसे इंडिया में कश्मीर का सिचुएशन है। बट यहाँ पे इतना वायलेंट अभी नहीं है फिलहाल, कुछ भी बहुत पीसफुल उनका उनका प्रदर्शन होता है, और मोस्टली ऐसा हो नहीं पाएगा कभी क्योंकि इतने वैसे लेवल पे इनका प्रोटेस्ट नहीं होता। और अगर आप आम आदमी से बात करोगे वो अलग होना भी नहीं चाहता कनाडा से। फिर किसी वीडियो में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी एंजॉय कर रहे हैं ओल्ड पोर्ट। नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे। हाउ आर यू को बोलते हैं कम सवा, और जवाब देते हो आई एम फाइन तो उसको बोलते हैं सवा भी है। अच्छा मेन्यू वैसे नहीं मिलेगा, ये मेन्यू को अपने फोन से स्कैन करो, फोन में मेन्यू आ जाएगा। कर फिर कैमरा से। अच्छा तूने कैमरा में स्कैन नहीं ओपन किया होगा यार, ऊपर आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये देख आ गया ऊपर। इसको पकड़ बस क्लिक करो ओपन, इस पे ऊपर था स्क्रीन पे, हां बस मेन्यू ओपन हो गया इनका। Mama, remember yesterday when Amy Mama could have popcorn? Here. Yeah. And then put some scrapies. Thank you. Now, why did you say बस वो लिख रहा है। How is it? अच्छा है। It's sweet and salty. Sweet and salty. This is maple syrup. तो ये जो पुटीन होती है ना, ये मॉन्ट्रियल की इन्वेंशन है। बेसिकली अंदर मेन जो होता है ये तो इसके अंदर रख के होता है,
फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज के साथ होती है आपकी चीज़ और ग्रेवी और बाकी और कॉन्डीमेंट, जैसे हमने काफ़ी सारे एक डिफरेंट तरीके का चीज़ है, मुझे नाम भी नहीं भूलना आ रहा है। तो इसको जो है ना इन्होंने बियर में बॉइल किया हुआ है, बियर और उसके साथ में मेपल सिरप की को मिक्स करके उसको बॉइल करके उसकी सॉस बना के इस पर डाली हुई है। सुपर अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग। और मॉन्ट्रियल के ओल्ड पोर्ट में आपको मिलेंगी कोई दुनिया की वन ऑफ दी मोस्ट फेमस आर्ट गैलरीज। पुटीन बहुत बढ़िया थी, पीछे और भी घूमने का है। अनफॉर्चुनेटली हमारे को अगले पड़ाव के लिए निकलना है और अगला पड़ाव वीडियो के एंड होने तक आपको पता चलेगा। बस मौसम चल रहे, ज्वाइन कर ले, जा 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 जा। मैं वाओ, सो नाइस, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। मैंडीज है ये, मैंडी नॉट मैंडिस। यार देखा वेस्पा, स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति न हो, जो ग्रहण करने का इच्छुक न हो, उसे अनेक प्रयास करने के बाद भी ज्ञानवान नहीं बनाया जा सकता। नो जी, आई एम बैक इन द कार ऑल अलोन, कोई भी नहीं है मेरे साथ। आई हैव टू रिटर्न दिस कार, और कार रिटर्न करने के बाद क्या होगा वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। आपको याद है कल मैंने एयरपोर्ट से ये गाड़ी कितने बजे ली थी? आई थिंक शायद 5:15 बजे ली थी। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट ही हैं ये गाड़ी रिटर्न करने के लिए। इट्स राइट नाउ इट्स 4:45। नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर मेरे को गाड़ी रिटर्न करनी है, एंड इट्स एग्जैक्टली 15 मिनट्स फ्रॉम हियर। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच गए हैं जहां हमें फाइनली पहुंचना था। आरवी सेंटर में, और यहाँ से कर रहे हैं हम आरवी रेंट, और फिर चलेंगे क्यूबेक और ओंटारियो के प्रोविंशियल पार्क्स में ऑन दिस आरवी। हाँ जी, तो भाई लोग जी, मैं बैठ चुका हूँ आरवी की ड्राइविंग सीट पे। ये है हमारी आरवी, इसका पूरा आपको जरूर मिलेगा, फुल हाउस टूर, आरवी का मोटर होम टूर पूरा मिलेगा आपको। फिलहाल गाड़ी में पहली बार बैठे हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके सारे कंट्रोल्स वगैरह क्या हैं। कल सुबह तसल्ली से देंगे आपको इस आरवी मोटर होम का टूर। अभी के लिए फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं मोंट ट्रॉम्बलो नेशनल पार्क।